तरीके से राजीव गांधी चौराहे पे आम आदमी को रोका जाता है वो बिल्कुल तरीका गलत है। जिस तरीके से मेरी गाड़ी को वहाँ रोका गया, पुलिस वाला बिल्कुल गाड़ी के सामने आ गया, अगर गलती से मेरा ध्यान नहीं होता उस पर तो उसके बाद कुछ हादसा हो सकता है। मैंने ये बोला कि भैया एकदम इस तरह की गाड़ी नहीं रोकी जाती है। उसके बाद फिर जब वो मुझे पहचान नहीं पाया तो मैं गाड़ी से उतरने वाला साइड में करी, अपनी गाड़ी साइड में करी, मैंने बताया मैडम मैं पार्षद हूँ। उसके पहले जवान मेरे से कुछ डिमांड करने लगा, जब मैंने बोला कि मैं पार्षद हूँ तो उसके बाद घबरा गए वो कि हमने डिमांड तो कर ली है, पहचान नहीं पाया पार्षद जी को, डिमांड कर ली। जब डिमांड कर ली तो फिर मैंने बोला कि ये तरीका क्या है। उसके बाद मैडम अपने आप ही इस तरीके से गलत अंदाज में बोलना चालू करा उनने, तो पूरी वीडियो की रिकॉर्डिंग सब जगह चल रही है। देखिए जो भी घटनाक्रम हुआ है उसके वीडियोस इधर उधर से जो आम जनता ने बनाए हैं वायरल हो गए हैं, तो घटनाक्रम तो आपको पता होगा, उसके बारे में कुछ बोलना भी नहीं चाहूँगी। पर मैंने एक जगह पढ़ा कि उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया है कि 1000 रुपये मांगे गए थे, सरासर गलत है। अगर 1000 रुपये की डिमांड हुई थी तो जब वो पहले आए थे 10:40-42 पर, तब तो माफ़ी मांग के गए, पूरा जो भी घटनाक्रम हुआ वीडियो बना, माफ़ी मांगी गए वो अच्छे से। 1 घंटे बाद उनको याद आया क्या कि 1000 रुपये मांगे गए थे। एक और जगह मैंने पढ़ा कहीं न्यूज़ में कि आरक्षक ने पैसे मांगे, उसके बाद उसने अपना नेम प्लेट उतार दिया। तो जितने भी वीडियोस हैं तो उसमें साफ दिख रहा है कि क्या घटनाक्रम हो रहा है, वो किस गलती में थे और किस लिए उनको रोका गया था। और अगर ये इल्ज़ाम जो उन्होंने लगाया है तो मैं उनको बोलना चाहूँगी, CCTV फुटेज भी लगे हुए हैं और लोगों ने भी वीडियो बनाए हैं, उनके पास भी फ़ोन था, फ़ोन पर बात कर रहे थे, वो वीडियो बना लेते अगर ऐसी कोई घटनाक्रम हो रहा था कि हमने अगर कोई बदतमीजी करी थी या पैसे की डिमांड हुई थी तो उन्होंने वीडियो क्यों नहीं बनाया। जब इधर उधर से हमारे पास भी वीडियो आए हैं तो उनके पास भी पहुँचे होंगे, कहीं तो मिलेगा उनको। और अगर वो ये प्रूफ कर देते हैं कि 1000 रुपये रिश्वत वाली बात जो वो बोल रहे हैं, क्योंकि सरासर गलत है, बहुत ज़्यादा कष्ट देने वाली बात है ना बदतमीजी करने के बाद, अगर वो प्रूफ कर देते हैं मैं इस्तीफ़ा दे दूँगी।